मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के अंतर्गत कल हमारे द्वारा परिभाषाएं, तालिका और चित्र का अध्ययन किया गया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए इसमें मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं इसका अध्ययन करेंगे। मांग जो निश्चित समयावधि के अंदर निश्चित कीमत पर एक वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है जिसे खरीदा जाता है कहलाती है, मांग कहलाती है। मांग और कीमत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। चित्र के माध्यम से और तालिका के माध्यम से हमने इसको देखा था। अब मांग कुछ तत्वों से प्रभावित होती है, वो तत्व कौन कौन से हैं इसका अध्ययन आपके द्वारा किया जा रहा है। मांग के निर्धारक तत्व, मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत यहाँ मैं एक सूत्र लिख रही हूँ, फॉर्मूला लिख रही हूँ। जिसमें मैंने लिखा है डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ लिखा है यहाँ पर, फिर ब्रैकेट में प्राइस एक्स पी एक्स, फिर पी आर, पी आर का मतलब है रिलेटेड गुड्स प्राइस, फिर लिखा है वाई, फिर लिखा है टी और फिर लिखा है मेरे द्वारा ई। मैंने आपको यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की जो मांग है वो फलन है किसका, एक्स वस्तु की कीमत का। ये जो शब्द है इनको मैंने डिफाइन करा है, एक्स डी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की मांग से है, एफ का मतलब फलन से है, पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की कीमत से है, पी आर का मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमतों से है, वाई का मतलब उपभोक्ता की आय से होता है और टी का मतलब टेस्ट या इंटरेस्ट रुचि और पसंद से होता है और ई का मतलब भविष्य में उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कितनी संभावनाएं हैं से होता है। भविष्य में वस्तु से संबंधित कीमतों से ई को डिनोट किया गया है। अब मैं प्रत्येक चर को डिफाइन करने से पहले, डिटेल में डिफाइन करने से पहले आपको एक शब्द से और परिचित करा रही हूँ जिसे कहते हैं मांग फलन। मांग फलन, डिमांड फंक्शन भी शॉर्ट में कहते हैं इसको, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला यही होता है डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी। यहाँ पर इक्वल टू का साइन मैंने आपको फलन के अंतर्गत जब समझाया था तो फलन में मैंने आपको यही बताया था कि फलन में इक्वल टू का साइन होता है। एक चर इस साइड बाईं ओर लिखा जाता है और दूसरा चर जो होता है आपके दाईं ओर लिखा जाता है। ये जो बाईं ओर और दाईं ओर चर होते हैं जो इक्वल टू के बाईं ओर और दाईं ओर चर होते हैं, इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध ही मांग फलन कहलाएगा या फलन कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो मेरे सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र में डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स मतलब एक्स वस्तु की मांग, फंक्शन है फलन है किसका, एक्स वस्तु की कीमत का, संबंधित वस्तु की कीमतों का, उपभोक्ता की आय का, उपभोक्ता की रुचि और पसंद का और भविष्य में उस वस्तु की कीमतों के परिवर्तन का। ये जो इक्वल टू के इस साइड में दिए गए चर हैं, वेरिएबल हैं, ये जो इक्वल टू के इस साइड में दिया हुआ चर है, इन दोनों चरों के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध ही मांग फलन कहलाएगा। वस्तु की मांग और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले चर तत्व दोनों के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंधी मांग फलन कहलाता है। ये जो डिमांड ऑफ एक्स है ये परतंत्र चर होते हैं, मतलब इसमें अपने आप परिवर्तन नहीं होता है, ये डिपेंडेबल है। किस पर, पहले इनमें परिवर्तन होगा, प्राइस एक्स में, रिलेटिव गुड्स में, रिलेटिव गुड्स की प्राइस में, आय में, इनकम में, उपभोक्ता की टेस्ट में या भविष्य में जो उसकी कीमतें हैं वस्तु की उनके परिवर्तन की संभावना है। जब इनमें परिवर्तन होगा तब इस डिमांड में परिवर्तन किया जाएगा।
वस्तु की मांग और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले चरों के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंधी मांग फलन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन सारे शब्दों को मैं डिटेल में डिफाइन करती हूँ आपको। पहला शब्द है आपके प्राइस एक्स, जिसे आपने क्या कहा है, एक्स वस्तु की मांग, एक्स वस्तु की सॉरी मांगी एक्स वस्तु की कीमत। इस वाले शब्द को मैं डिफाइन कर दूँ, एक्स वस्तु की कीमत और मांग, इन दोनों के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत। कीमत अधिक, देखो चित्र आपने मांग वक्र का कल पढ़ा था, यही था डिमांड कर या कीमत ली थी आपने, या मात्रा ली थी या मांग ली थी। कीमत अधिक है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या है, प्राइस। ओ से लेकर यहाँ तक है तो मांगी गई मात्रा ओ से लेकर क्यू तक ही है, और यदि कीमत कम हो गई पी से पी वन तक कम हो गई तो मांगी गई मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई क्यू से क्यू वन तक। दोनों चरों में विपरीत संबंध है, एक्स वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा वाला पॉइंट है संबंधित वस्तु की कीमत और मांग। संबंधित वस्तु की कीमतों के अंतर्गत जो आपके आती हैं वो दो प्रकार की गुड्स आती हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमतों के अंतर्गत आपके दो प्रकार की गुड्स आती हैं। पहले नंबर पर होती है आपके पूरक वस्तु और दूसरे नंबर पर होती है आपके स्थानापन वस्तु। ये जो पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान, जिनके एक के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाना संभव नहीं होता है। जैसे पेन में स्याही, पेन है आपके पास और यदि उसमें स्याही नहीं है तो क्या आप इसको यूज कर सकते हो, कार और पेट्रोल या डीजल। यदि कार है आपके पास तो आप बिना पेट्रोल या डीजल के उसको यूज में नहीं ले सकते हो। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। और स्थानापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, माउंडियो के स्थान पर सेवन अप। अब इसके अंतर्गत संबंधित वस्तुओं की कीमत और मांग का संबंध, और मांग का संबंध ये पढ़ना है हमारे टॉपिक के अंतर्गत। टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैं पूरक वस्तुओं का बता रही हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर आपके OX अक्ष है, OX अक्ष, ये OY अक्ष। यहाँ पर मैंने पूरक वस्तु लिए एक तो आपके जिसके अंतर्गत गाड़ी की मांग लिया, गाड़ी की मांग और यहाँ पर मेरे द्वारा पेट्रोल की कीमत को लिया गया है, पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए तो गाड़ी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो गाड़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मांग वक्र हमारा इस तरह का बनेगा, डीडी वक्र हमारा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा, डीडी वक्र हमारा इस तरह का बनेगा। ये किस वस्तु के संदर्भ में, पूरक वस्तुओं का मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ बनता है। ये कीमत और मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बताता है। जबकि स्थानापन्न वस्तुओं का यदि हम बनाते हैं, स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत मैंने यहाँ कॉफ़ी की कीमत ले ली, कॉफ़ी की कीमत, और यहाँ पर मैंने चाय की मांग ले ली, चाय की मांग। एक बात बताओ, यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अधिक कीमत पर उसको कम पीने वाले होंगे और चाय पीने वालों की संख्या बढ़ जाएगी।
कॉफी की कीमत यदि अधिक है तो चाय पीने वालों की संख्या अधिक होगी। ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी है कॉफी की कीमत, और यदि ये प्राइस हो गई, कॉफी की कीमत कम हो गई, तो चाय पीने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। डिमांड कर्व धनात्मक ढाल लिए हुए बनेगा। स्थानापन्न वस्तुओं का डिमांड कर्व धनात्मक ढाल लिए हुए होता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कीमत और मांग के मध्य सीधा संबंध पाया जाता है। जिस यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अब हमारे द्वारा तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर मेरे द्वारा आपको उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग पर प्रभाव का अध्ययन कराया जा रहा है। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा रख कर दूँ। यहाँ पर उपभोक्ता की आय दे रखी है आपके, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग और मांग, इनके मध्य संबंध का अध्ययन कर रहे हैं आप। एक्स वस्तु की, यहाँ पर मेरे द्वारा आय को ले लिया, क्या लिया गया है, ओ वाई अक्ष पर आय को, ओ एक्स अक्ष पर वही मांग एक्स वस्तु की है। आय अधिक होगी तो मांग भी अधिक होगी, आय कम होगी तो मांग भी कम होगी। ऊंची आय के स्तर पर अधिक मांग की जाती है, जबकि कम कीमत, कम आय के स्तर पर कम मांग की जाती है। सीधी सी बात है, आपकी आय अधिक होगी, आपको 100 रुपये जेब खर्ची के मिलते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग वस्तुओं खरीदते हैं, और यदि आपकी आय 500 रुपये हो जाती है, आपकी जेब खर्ची 500 रुपये हो जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। आय के बढ़ने पर उपभोक्ता के द्वारा अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है। कोई चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होता है। ये जो हमारी उपभोक्ता की आय और मांग का संबंध है, इसमें हम दो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। एक वस्तु सामान्य होती है जिसका मांग वक्र ऐसा बनता है, आय वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स वस्तु की मांग, और इसका धनात्मक ढाल होता है। ये सामान्य वस्तु का मांग वक्र है, और यदि वस्तु गिफेन है, घटिया है, तो ऐसी स्थिति में आय और मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाएगा। इसको बच्चों फिर कभी और मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आपका रुचि और पसंद का भी मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि रुचि और पसंद में कोई वस्तु है तो उसकी मांग अधिक होगी, और यदि रुचि और पसंद में वस्तु नहीं है तो उसकी मांग कम होगी। भविष्य में वस्तु से संबंधित कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, आपको पता लगे रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो शाम से ही भीड़ पड़ जाती है पेट्रोल पंप पर, सब अपनी अपनी टंकियों को फुल कराने लगते हैं, जबकि कीमत में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। 50 पैसे या 1 रुपये या 2 रुपये कीमत के बढ़ने पर ही, जब पहले से ही वस्तु की मांग बढ़ गई, जबकि वर्तमान में उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो भी भविष्य की कीमतों के आधार पर मांग में परिवर्तन दिखाई देता है। ये भविष्य संबंधित कीमतों और मांग का संबंध पाया जाता है। कीमत के भविष्य में बढ़ने पर वर्तमान में मांग बढ़ जाती है, और भविष्य में कीमत के कम होने पर वर्तमान में बिना कीमत परिवर्तन के भी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट भी होते हैं जिनका मांग के निर्धारक तत्वों में विशेष रूप से महत्व है। ये सारे पॉइंट तो हमारे व्यक्तिगत मांग फलन में काम आने वाले हैं, या व्यक्तिगत मांग फलन के अंतर्गत पड़े जाते हैं, लेकिन जब हम बाजार मांग फलन का अध्ययन करते हैं तो हमारे द्वारा ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आकार व संरचना और आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का आकार अधिक होगा तो वस्तु और सेवा की मांग अधिक होगी। आय का वितरण जितना उचित होगा और न्यायपूर्ण होगा, उतनी ही अधिक वस्तु और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। बच्चों कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब आपके ये सारा का सारा आपको नोट्स कॉपी के अंदर, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ से मांग की परिभाषा दोनों चैप्टर की आपको बना के अपने नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू।